गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है फोर्थ ऑफ नवंबर 2023 सैटरडे ये हफ्ते में काफी मेजर एक्टिविटीज था जहाँ पे एफ एम सी नंबर वन बी ओ रेडिस नंबर टू एंड एन एफ पी डेटा नंबर थ्री तो ये तीन मेजर डेटा उसमें से डेटा ये काफी हलचल मचा चुका है करेंसी मार्केट में कैसे हलचल मचा चुका है क्या हलचल मचा चुका है उसके लिए हम चार्ट में चलते हैं बेसिकली मैं यहाँ पे डेटा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि एन का डेटा वन आया है ये पुअर आया है खराब आया है अच्छा आया है रेट डिसीशंस में ये हुआ पॉज रखा है इन्फ्लेशन डेटा ये आया है वो आया है ये आप सबको पता है एफ एम सी रेडी बीओ में एन एफ पी डेटा क्या आया प्रीवियस डेटा क्या था मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या था मैं यहाँ पे ये देखने वाला हूँ कि इतना सब होने के बाद फ्राइडे खत्म हो गया आज सैटरडे मॉर्निंग है तो पिछले हफ्ते में पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ अभी देखते हैं मंडे 30th अक्टूबर मंडे जो 30th अक्टूबर था वहां पे आपका डॉलर इंडेक्स 10650 से 10615 के बीच में था उसके बाद नेक्स्ट थ्री डेज एक रेंज में कंसोलिडेट किया देन कल स्पेसिफिकली आफ्टर द एनपी डेटा एक स्ट्रांग नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ यानी मार्केट ये प्राइस जो है क्रैश किया मेरा अगर प्रीवियस डेली एनालिसिस देखोगे वहां पे एक जोन था क्या जोन था 10550 ऑन द लोअर साइड जिसका था 4060 कोई बोलेगा सर अब वीडियो पे 105.4060 बताए थे नंबर मींस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो 105.4060 नीचे की तरफ सपोर्ट था एंड 106 80 107 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है करने देते हैं जब तक आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करता आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड दिल ये चाहता था कि ब्रेक डाउन नीचे की तरफ अभी डेटा जो भी हो एफएमसी रेट डिसीजंस जो भी हो बीओई जो भी दो प्राइस क्या बोल रहा है प्राइस डैमेज किया है तो एक नजर मंथली पे आते हैं यहां पे जो मंथली चार्ट है नवंबर मंथ का जो चार्ट है जस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ है 3 दिन ट्रेडिंग किया है सो so, ये जो मंथली कैंडल है इट विल नॉट बी कंसीडर्ड क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ ये जो कैंडल है कभी भी चेंज हो सकता है अपना शक्ल अपना कैरेक्टर चेंज कर सकता है बट एज़ ऑफ नाउ आरएसआई इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट सिक्सटी, दैट बीइंग द केस ये प्रतीत होता है कि ये सेलिंग बायस्ड है जब तक ये अक्टूबर के हाई के ऊपर मींस क्लोज देना चालू ना करे ट्रेड करना चालू ना करे ये हो गया मंथली दैट मींस द लॉन्ग टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में क्या बनाया वीकली टाइम फ्रेम में जो अबव 60 यहाँ पे आप देखोगे 16th अक्टूबर वाला जो वीक था उसमें आरएसआई 60 के नजदीक सपोर्ट लिया फ्रॉम द एबो उसके बाद 23rd अक्टूबर वाला जो वीक था वहां पे फिर ऊपर जा रहा था यानी यहां पे एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा था एट 60 ये अगर सपोर्ट सस्टेन कर जाता तो मार्केट का टेक्सचर अलग हो जाता अभी करंट वीक का जो आर एस आई है वो सिक्सटी को तोड़ के नीचे की तरफ आ गया व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स एक नेगेटिविटी यहाँ पर भी प्राइस जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन में ये जो ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर वाला जो वीकली कैंडल है उसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है अभी उसके लो के नीचे क्लोज दिया है दैट बीइंग दैट इज व्हाट नेक्स्ट फॉलो थ्रू चाहिए कोई भी स्ट्रांग कैंडल अगर लो को तोड़ता तो है या हाई को तोड़ता तो है स्ट्रांग बेयरिश कैंडल लो को तोड़ेगा स्ट्रांग बुलिश कैंडल हाई को तोड़ेगा इन सच अ केस क्या हो सकता है उसके बाद हमें फॉलो थ्रू चाहिए फॉलो थ्रू मंडे अनिवर्स हम देखेंगे क्या इसके लो के नीचे ट्रेड करना यानी प्राइस मूव करना चालू करते हैं या नहीं इन सच केस हमारा दो हर्डल्स हो सकते हैं एक हर्डल हमारा है ये यहाँ पे ये है सपोर्ट हर्डल बोले तो मीन सेलर्स के लिए हर्डल से तो ये एक सपोर्ट है जो आपका हंड्रेड एंड फोर ट्वेंटी फाइव से हंड्रेड एंड फोर सेवेंटी फाइव के बीच में सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ट क्या यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं या नहीं थिंग अगर इसके नीचे चले जाते हैं तो नेक्स्ट हर्डल हमारा एक हो सकता है यह है आपका हंड्रेड एंड थ्रीरो के बीच में दीज आर दू मेजर हर्डल्स फॉर द सेलर्स क्या इस लेवल्स में सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने का प्रयास करते हैं या स्ट्रेट नीचे की तरफ आते हैं ओनली

क्लोज किया है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है अभी हमें फॉलो थ्रो चाहिए मंडे ऑनवर्ड फॉलो थ्रो का मतलब इसके लो के नीचे सस्टेन करना चाहिए ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आया उसके बाद चला मुरारी हरिद्वार दैट मीन्स फिर टे करके ऊपर की तरफ चला जाए So, सबको मोमो बना के फिर ऐसा नहीं होना चाहिए अगर डॉलर इंडेक्स को सॉफ्ट होना हो तो विध रेस्पेक्ट टू डेट पर्सपेक्टिव अभी आते हैं डॉलर रुपी डॉलर रुपी जो आपका क्लोज दिया है हमारा इंडियन मार्केट uh, में क्लोजिंग अलग था अभी का जो यूएस मार्केट का क्लोजिंग है वो करीबन 83.15 के आसपास है है कंसोलिडेशन जारी जारी तो ये जारी रहने देते हैं यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है ऊपर के लेवल पे इनविजिबल हेड्स काफी स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना है प्राइस अगर ऊपर जा नहीं पाया तो क्या ये नीचे के तरफ टेस्ट करेगा नीचे के तरफ अगर टेस्ट करते हैं इन साचे केस हमें चाहिए ये इज एक्सपेक्टेड टू द फर्स्ट सपोर्ट तो क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि प्राइस यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है कौन सा लेवल पे 1.2050 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2350 ऑन द हायर साइड हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था कि कंसोलिडेशन जब तक होते हैं हम कुछ कर नहीं पाएंगे हम उसको खींच के ऊपर ला नहीं सकते हैं। हम उसको मींस पुश करके नीचे की तरफ डाउन नहीं कर सकते वी जस्ट ए मिनिएचर प्रेजेंस इन द मार्केट सो हम यहां पे पर्सनल लेवल पे कुछ कर नहीं सकते हैं।

कल फ्राइडे के हाई के ऊपर मंडे ऑनवर्ड्स सस्टेन करना चाहिए इन सच ए केस बाई डिप्स में भी कंसीडर्ड इन जीबीपी डॉलर एक नजर वीकली में एंड मंथली में देख लेते मंथली में साइडवेज आर एस आई है एट फोर्टी सेवन पॉइंट फोर सेवन सो फोर्टी टू सिक्सटी इज ए साइडवेज नंबर एक्सक्यूज मी वीकली ये फोर्टी में सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देखोगे तीन तीन छह कैंडल का मीन हायर क्लोज यानी आपका 18 सितंबर ऑनवर्ड्स जो क्लोजिंग है उसका फर्स्ट टाइम ये ऊपर हायर क्लोज दिया यानी सेवेंथ वीक हाई हो गया पिछले छह हफ्ते के क्लोजिंग को पूरा का पूरा क्लीन स्वाइप कर दिया तो और डेली जो है ये काफी टाइम के बाद फर्स्ट टाइम अबोव सिक्सटी जा रहा है सो so, अभी इसको फॉलो थ्रो चाहिए एक बार अगर मंडे को फॉलो थ्रो मिल जाता है उसके बाद कॉन्सिडर इन दिस इंस्ट्रूमेंट जीबीपीआईनर जीबीपीआईनर में वही था कि, वही था कि चौ, ट्वेल्थ अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए टू मेक इट हायर हाई हायर लो अभी कल का जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रॉग कैंडल है अभी अभी एक चाहिए follow के बाद यहां पे एक trend line resistance है है का जो ऊपर में ये वाला अभी हम इसको डिलीट तो ये इसके ऊपर भी जानना है सो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज अभी तो हायर आय हायर लो बनाएगा क्या कंडीशन पे यही कंडीशन है कि मंडी को फॉलो थ्रू चाहिए ऊपर की तरफ देन बाई डिप्स मे बी कंसिडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट अभी आते हैं यूरो डॉलर यूरो डॉलर में हमारा ये इंतजार था 24 अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देना है स्ट्रॉन्ग कैंडल के, के साथ तो क्या होगा ये हायर हाई हायर लोग यानी एक मोड तो बन गया एक मूड तो बन गया मोड भी बना है मूड भी बना है क्या मूड है ऊपर जाने के लिए अभी मंडे को ये इसका फॉलो थ्रो चाहिए एक नजर हम मंथली वीकली डेली पे देख लेते Monthly जो है साइडवाइज है आपका ये भी फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन थ्री में है वीकली रेनशिफ्ट किया है सो so, ये प्लस रेनशिफ्ट देर पॉसिबिलिटीज आर एस आई अभी सिक्सटी के तरफ जाना चाहिए जो करेंटली फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव एट में केस यहाँ पे हम बाई डिप्स में भी so, आपका जो भी बाइंग स्ट्रेटेजी है आपके हिसाब से जब भी पुलबैक में आएगा आप ट्राई कर सकते हो लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स एक फॉलो थ्रू चाहिए ऐसा ना हो गैप डाउन ओपन हो के नीचे की तरफ चला जाए यूरो यनर यहाँ पर भी हाई आ रहा है यार लो हमारा ये था कि 12 चौबीस अक्टूबर एज़ वेल एज़ 31 अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए कल के दिन ये क्लोज दे चुका है स्ट्रांग कैंडल के साथ सो so, अभी सिर्फ फॉलो थ्रू चाहिए अभी ये हायर है हायर लो है हमें बाई डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आपका जो भी स्टॉप लॉसेस है उसके साथ आप इसको खेल सकते हो डॉलर यन अभी कल का हमारा एनालिसिस आप, आप देखोगे ये जो थर्टी अक्टूबर का कैंडल है एक बिग मदर कैंडल बहुत बड़ा मदर कैंडल तीन दिन का सेलिंग एक दिन के कैंडल के अंदर में सो ऑल दीज थ्री कैंडल्स थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर कैंडल या नहीं ये, candle, ये जो थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर का ग्रीन कैंडल है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या इंपोर्टेंट ये ही डिसाइड करेगा कि डॉलर यह नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा जब तक इस रेंज के अंदर में है तो साइडवाइज होगा डेली पर एक बार अगर इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं तो फॉलो थ्रू नीचे की तरफ हम देख सकते हैं अगर सो so यहाँ पे तीन प्रोबेबिलिटी है एक प्रोबेबिलिटी इस मदर कैंडल के अंदर में नेक्स्ट वीक का डेली मंडे टू फ्राइडे बिहेव कर सकते हैं मूव कर सकते हैं पहला कंडीशन सेकेंड कंडीशन ये हो सकते हैं इसके लो को तोड़ के नीचे की तरफ आ सकता है एंड तीसरा कंडीशन ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकते हैं अभी का जो पॉसिबिलिटी है नीचे की तरफ तोड़ने का है तोड़ने के लिए अगर ट्रेंड तोड़ना है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रांग क्लोज देना पड़ेगा वो जो स्ट्रांग क्लोज है अगर इस 31 अक्टूबर के नीचे भी हो जाते हैं तो सोने पे सुहागा दैट मींस ये और भी ज्यादा नीचे जाने के लिए तैयार है इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को जाकर बेच दो नो no. अपना रिस्क रिवॉर्ड अपना चीज है

साइडवेज में भी आप बोलोगे सर इतना तो मूवमेंट हो गया है कल के दिन में फिफ्टी फाइव थर्टी से फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव हो गया थर्टी पैसे का मूवमेंट हो गया यस थर्टी पैसे का मूवमेंट हो गया थर्टी पैसा किसी के लिए बहुत बड़ा है और किसी के लिए सो सो है किसी के लिए बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पे पैसे का बात नहीं है प्रॉफिट का बात नहीं है मूड को देखना है मूड बोले तो अभी यहाँ पे आप देखोगे जो फोर्टीन जुलाई एंड ट्वेंटी जुलाई से जो एक सेल ऑफ था उसके बाद क्या बोलता है अभी मूड वही है कि इसके ऊपर थर्टी अक्टूबर के कैंडल के हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है एंड नेक्स्ट डे फॉलो थ्रो देता है इन सच केस मूड चेंज होगा ठीक है डॉलर कैंडी काफी वीक हो चुका है जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था आप अगर फर्स्ट नवंबर का मेरा प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो देखोगे जो डॉलर कैंडी रिलेटेड है वहां पे हमारा दो प्रोबेबिलिटीज था क्या प्रोबेबिलिटीज था कि क्या ये ऊपर की तरफ फॉलो थ्रो करेगा या yeah, आपका

फॉल्स ब्रेक डाउन यहाँ पे तो फिर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था आएगा थर्ड टाइम हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था डिफरेंट ये यहाँ पे ट्रिपल बॉटम को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा लेकिन यहाँ पे ये यह जो पिन बार था ये पूरा का पूरा सीनारी चेंज कर दिया पिन बार बोलो हैमार बोलो नाम में क्या रखा है काम को देखना है इसका जो काम है क्या काम है प्राइस रिजिस्ट्रेशनस एट द लो लेवल एंड इसी ने गेम पूरा का पूरा चेंज कर दिया ये कैंडल के ऊपर सो so, अभी यहां पे अपर एंड यानी हायर एंड ऑफ द रेंज में अभी आके अटका हुआ है व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में अभी हमें देखना है कि प्राइस को ये ऊपर के तरफ जाके फिर वापस आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है एंड हाई को तोड़ता है थ्री थिंग पहला ऊपर की तरफ जाएगा दूसरा थिंग फिर रिट्रेस करके इस रेंज में 0.65 के आसपास सपोर्ट लेगा क्या ये होता है या नहीं एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्विंग हाई बनाता है उस स्विंग हाई को तोड़ता है आने वाले दिनों में या हफ्ते में क्या ये होता है अगर ये होता है तो ऑसी डॉलर में बल्ले बल्ले कहने का मतलब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकता है डॉलर सी एन काफी Means, CNH हो चुका है है पे अच्छा स्ट्रेंथ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी तो इसके नीचे स्ट्रांग क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू देना पड़ेगा क्या ऑनवर्ड्स ये होते हैं हमें देखना पड़ेगा अभी आते हैं ब्रांड क्रूड ब्रांड क्रूड में जो क्लोज दिया है ये ब्रांड क्रूड फ्यूचर्स है

40 just किया है, अभी continuation या follow through चाहिए, या नहीं, आप देखोगे monthly में भी negative है, weekly में भी हल्का सा negative है, अभी इसको तोड़ेगा, तोड़ेगा, को तो तो हम देख सकते हैं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा डेली में अभी हमें देखना है current RSI क्या ये 40 के आसपास लेके दोबारा बाउंस करता है या नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा तो एटी फोर का सपोर्ट है वहां पे क्या सपोर्ट लेता है या नीचे की तरफ सेल ऑफ कॉन्टिन्यूशन होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल बायस ब्रांड क्रूड में नेगेटिव है व्हिच इज गुड फॉर द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी लेकिन न्यूज ड्रिवन न्यूज को हमें देखना है कभी ये कभी वो कूद ना जाए। आपका हमास इसराइल वार के बीच में अभी आते हैं यूएस टेन ट्रेजरी यूएस टेन ट्रेजरी जो क्लोज दिया है वो है आपका 4.574 ये एक सपोर्ट लेवल है कौन सा आपका ये जो कैंडल है कौन सा ट्वेल्थ अक्टूबर का अभी मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है इस सपोर्ट को क्या ब्रेक डाउन करते हैं कल नीचे आया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया क्या ब्रेक डाउन करते हैं या यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके फिर ब्रेक डाउन करते हैं डायरेक्ट ब्रेक डाउन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कमी होगा क्योंकि अभी भी रेट कट का डिक्लेरेशन ओपन डिक्लेरेशन आया नहीं सो so, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद अगर नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो इन सच ए केस हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं यानी वीकनेस या सॉफ्टनेस हम यूएस टेनर ट्रेजरी में देख सकते हैं एक नजर हम वीकली मंथली में देख लेते हैं मंथली में अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है लेकिन अभी स्टार्ट ऑफ द मंथ है ओनली तीन ट्रेडिंग डेज गया है सो दिस कैंडल इज अंडर फॉर्मेशन इसको कंप्लीट होना है वीकली में क्या हुआ है यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ का इंडिकेशन है अभी हमें ये जो सपोर्ट लेवल है डेली में जो हमने डिस्कस किया है दिस वन इसके यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सिलेट करके अगर नीचे की तरफ जाता है तो अच्छा खासा हम सेल ऑफ देख सकते हैं इन सच केस हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है ये वाला सपोर्ट हो सकता है ये लेवल हो सकते हैं यूएस टू ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है 4.84 पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट में यहाँ पर भी हमारा ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन था क्या यहाँ पे सपोर्ट लेता है या सपोर्ट को तोड़ता है पहले फर्स्ट नवंबर को सपोर्ट लिया था सेकेंड नवंबर को ऊपर गया था थर्ड नवंबर को उसको तोड़ दिया ये परफेक्ट ब्रेकडाउन है केस क्या ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आएगा नॉट ने एक फैशन हो गया लोअर हाई लोअर लो होप यू कैन सी द लोज एंड लोअर हाई ये लोअर हाई ये आपका लोअर लोज तो यहाँ पे इस फैशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अगर इसको और नीचे के तरफ जाना है बीइंग द केस यहाँ पे ये जो आपका हाई है दिस बिकम्स ए क्रूशियल लेवल क्योंकि यहीं से एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया है सो मंडे ऑनवर्ड्स टू ट्रेजरी इसके हाई के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए अगर दे देता है तो इसका जो वीकनेस है यानी सेलिंग स्प्री है सेलिंग स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा सा हॉल्ट आएगा

कंसोलिडेट करने के बाद कौन सा तरफ ब्रेकआउट करता है क्या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है या ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करता है ये हमारा एक्सपेक्टेशंस था अभी ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया हुआ है दैट बीइंग द केस अभी इसको फॉलो थ्रू चाहिए मंडे को इसके लो के नीचे सस्टेन करना चाहिए क्लोज करना चाहिए देन एक अच्छा खासा डॉलर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीबीपी डॉलर में जो हम इंतजार कर रहे थे ये

केस ये जो कैंडल है ये एक मीन्स स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके लो के नीचे सेल्फ कॉन्टिन्यू होगा हाई के ऊपर ऊपर क्या कॉन्टिन्यूशन एंड विद इन द रेंज साइडवाइज रहेगा ऊपर से ये एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट है इसको क्लोज देना है ब्रेक करना है नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर नीचे आना है तो ये हो गया डॉलर अभी लास्ट आते हैं डॉलर रुपये डॉलर रुपी, रुपी साइडवाइज कंसोली है यहाँ पे देखने वाला चीज ये है ऊपर की तरफ इनविजेंस स्ट्रॉन्ग हैंडेडली रेजिस्ट कर रहा है हम ये सोच रहे थे कि जब तक मीन्स इनविजिबल यहाँ पे है तो कोई इश्यूज नहीं है लेकिन अगर चाय पीने के लिए ब्रेक लेते हैं पॉज लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे मींस अनएक्सपेक्टेड ब्रेकआउट होगा जहाँ पे स्टॉप लॉसिकार होगा ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस जर्नी पे तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए तैयार नहीं that being the case आने वाले दिनों में there are higher possibilities कि ये क्या 82.80 83.00 इस रेंज को आके हिट करता है दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग इन आस्किंग टू ऑल ऑफ यू क्या मंडे इनवर्स डॉलर रुपी रुपए 82 83.00 की तरफ जाने के लिए तैयार है आप बताइएगा होता है या नहीं होता है जस्ट एक क्वेश्चन मैंने किया है सो so ये हो गया आपका वीकली